अब हम लोग याद करना चालू करते हैं भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, स्टेट वाइज आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा संख्या में बाघ को रखा गया है, किसे रखा गया है? बाघ यानी टाइगर को रखा गया है, किसे रखा गया है? टाइगर यानी बाघ को रखा गया है। चलिए देखते हैं, चलिए अरुणाचल प्रदेश से चालू करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिहांग और नाम दफा, दिहांग दिहांग और नाम दफा, दिहांग दिहांग और नाम दफा। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिहांग नाम दफा। मटेरियल में आप लोग को लिखा हुआ है, इसलिए झमेला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े आपको आर्या भट्ट, कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखते हैं, नाम दफा दिहांग दिहांग, डिब्रू सुखोया आसम, डिब्रूगढ़ में है, डिब्रू सुखोया आसम, काजीरंगा मानस असम, नोकरेक मेघालय, नोकरेक कंचनजंगा कंचनजंगा, सुंदरवन सुंदरवन सुंदरवन, लोकटक झील मणिपुर। खैर लोकटक झील तो अब झील में याद हो गए, उसके ऊपर कैबू लाम जाओ है। लोकटक झील के ऊपर राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लाम जाओ है। क्या नाम है उसका? कैबुल लाम जाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लाम जाओ, आपको पढ़ा दिए थे लोकटक झील में। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लाम जाओ, कौन से झील में? लोकटक। तैरता हुआ क्यों बोला जाता है? वहां पर जो सारी जो चीजें होती हैं वो गाद जो होता है जमा हो जाता है वहां पे, और वो झील के ऊपर तैरते रहता है। जैसे आप नहीं देखते हैं आपके यहाँ पोखरा वोखरा में तनी सा कूड़ा उड़ा जमा हो जाता है तो तैरते रहता है, वो झील के ऊपर बड़का बड़का एरिया तैरते रहता है। क्लासरूम में बराबर कूड़ा जमा हो जाएगा, बांस वगैरह सब जमा हो जाएगा, घास, और क्या होगा? तैरते रहेगा, क्या होगा? तैरते रहे। वहाँ के लोग मछली वगैरह ज्यादा पकड़ते हैं, मछली वैसे भी बंगाल और इस सब एरिया का स्टेपल फूड होता है। साउथ एशिया में जाएंगे तो सी फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है। सी फूड मतलब समुद्र से निकला हुआ, केकड़ा ओकड़ा मगरमच्छ ये सब, घड़ियाल शार्क वेल मछली कुछ खा जाता है चाइना वाइना वाला। हम लोग क्या उतना ही सब सी फूड का। नॉर्थ इंडिया में चिकन मटन का प्रचलन है नॉनवेज में, जबकि जो समुद्र के किनारे एरिया है वहाँ पे मछली का प्रचलन। हमारे यहाँ तो मछली बहुत कम, मतलब लोग खाते हैं, सुबह डर लगता है ओकरा खैला के चक्कर में, कहीं अटक गया तो निपटा देगा बढ़िया से। सुंदरवन कैबुल लाम जाओ, कैबुल लाम जाओ, कैबुल लाम जाओ, नोकरेक नोकरेक नोकरेक, कंचनजंगा मानस, काजीरंगा, डिब्रू सुखोया, दिहांग दिहांग, नाम दफा, कंचनजंगा, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल भीतरकणिका, गहिर माथा भीतरकणिका, गहिर माथा सिमलीपाल, बेतला झारखंड, बेतला बोतला नहीं बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, उदयपुर बिहार, वाल्मीकि कहाँ गया? चंपारण, हाँ चंपारण की ना हो, अच्छा पूरी बेतला आपके पास ही, ये क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पास में ही है। चलिए आगे बढ़ते, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान बिहार, बेतला वाल्मीकि, बेतला झारखंड में, बेतला बेतला झारखंड, बेतला वाल्मीकि, उदयपुर, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकणिका उड़ीसा, भीतरकणिका नोकरेक मेघालय, नोकरेक कंचनजंगा, गहिर माथा उड़ीसा, गहिर माथा नोकरेक, नाम दफा
सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिहांग डिब्रू सिखोया, मानस काजीरंगा, कैबुल लाम जाओ, कैबुल लाम जाओ, कैबुल लाम जाओ, सुंदरवन सिमलीपाल, भीतर कड़िका, गहिर माधा, बेतला, उदयपुर, वाल्मीकि, कंचनजंगा, नोक्रेक, मानस काजीरंगा, डिब्रू सखोया, दियांग दियांग, नाम दबा, कैबुल लाम जाओ, कैबुल लाम जाओ, उदयपुर, हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं ऊपर की ओर। इतना तो निपटा दिए आप लोग? नहीं निपटा दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर साइड में चला जाए। पहले एक बार और बताइए, नाम दफा, दिहांग दिहांग, डिब्रू सखोया, मानस असम, काजीरंगा असम, नोक्रेक मेघालय, कंचनजंगा, सुंदरवन, सिमलीपाल, भीतरकणिका, गहिरमाथा, वाल्मीकि, उदयपुर, बेतला, दुधवा, उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद प्रभा बनारस, चंद प्रभा बनारस, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी, चंद प्रभा। अब चूंकि ये बनारस फेमस शहर है, काशी वाराणसी बनारस, तो ये कभी कभी स्पेसिफिक उस जगहिया से पूछ देता है, तो बनारस याद रख लीजिएगा। हालांकि चंद्र प्रभा आप यूपी भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आता है चंद्र प्रभा तो क्या पूछता है? बनारस। चंद्र प्रभा, चंद प्रभा, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद प्रभा, चंद प्रभा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, चंद प्रभा, आगे बढ़े, बेतला, बेतला, सिमलीपाल, दुधवा, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम उत्तराखंड देख लेते हैं। नंदा देवी राजा जी जिम कार्बेट फूलों की घाटी, नंदा देवी राजा जी जिम कार्बेट फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, समझ में आ गया जी? नंदा देवी राजा जी फूलों की घाटी जिम कार्बेट, कौन सा कार्बेट? जिम, नंदा देवी राजा जी, नंदा देवी राजा जी जिम कार्बेट फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड, राजा जी नंदा देवी जिम कार्बेट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद प्रभा, उदयपुर, वाल्मीकि, चंद प्रभा, बेतला, दुधवा, सुंदरवन, सिमलीपाल, दिहांग दिहांग, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सखोया, कैबुल लाम जाओ, कंचनजंगा, मानस, नोक्रेक, काजीरंगा, सुंदरवन, भीतरकणिका, बेतला, गहिरमाथा, वाल्मीकि, सिमलीपाल, उदयपुर, चंद प्रभा, राजा जी, दुधवा, सुंदरवन, राजा जी, मानस, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, नंदा देवी, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क, डची ग्राम जम्मू कश्मीर, डची ग्राम किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर,
सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर, सलीम अली जम्मू कश्मीर, सलीम अली का ही नाम सिटी फॉरेस्ट है, सौ से सलीम अली, सौ से सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली जम्मू कश्मीर, सिटी फॉरेस्ट जम्मू, डचीग्राम किश्तवाड़, डचीग्राम किश्तवाड़, डचीग्राम किश्तवाड़, सलीम अली किश्तवाड़, डचीग्राम सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट हिमालयन नेशनल पार्क, राजा जी बताओ अपनी उधर, नहीं 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 हाँ बैठे बैठे बताओ अपनी, दिहांग दिहांग तुम नहीं, तुमसे पीछे वाली, हाँ दिहांग दिहांग, दिहांग दिहांग, तुम गधे, तुमसे नहीं पूछ रहे, तुमसे पीछे बोले हैं, समझ में गया, नो क्रेक, बीच में कोई नहीं बोलेगा। कितना दिन से मैथ क्लास की है? तो काहे नहीं याद है? आपका ध्यान क्लास में नहीं था, पढ़ाई कर लीजिए, जॉब वगैरह हो जाएगा, नहीं होगा तो जैसे अभी टेंशन में, पूरा जिंदगी टेंशन में रहना पड़ेगा। नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो ये तो पढ़िए रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, बबनी नाखून देख रही हैं, उसके बाद बोलेंगे तो कई किलो की लड़कियों को बोलते हैं नखुनवा देख ले क्या होता है, कौन देखने हो जाता है कि नाखून हयो है कि नहीं है। आप बताओ लड़का लोग को इतना फुर्सत है? उस सब इतना वर्क लोड रहता है कि छोट छोट चीज पे कोई नहीं ध्यान देता है, इन लोग को लगता है कान में क्या, अरे उसको यो नहीं पता कि कनवा है कि कोनो नोच ले गया। छोटा मोटा चीज पे लड़का का कभी ध्यान नहीं जाता है, हाई लेवल पे स्टैंड अबनी डची ग्राम, आगे बढ़े, भीतर गाड़ी का गहिर माता, राजा जी, सलीम अली, ये उत्तराखंड बोलने जा रहा था, अचानक याद आया जम्मू कश्मीर तो उत्तरा कश्मीर बोल दिया। लड़का सब कितना सीधा होता है देखो, कहीं घुसी जाती है, तुम नहीं घुसी जाती, घुस जाइए कोई फायदा है, अंदर अंदर पूरा घुसी जाते। कोई फायदा है नहीं, लड़का सीधा होता ही है। निकी कुमारी ललका सियार भेज रही है। हाँ? आगे बढ़ जाते हैं, सलीम अली, राजा जी, डचीग्राम, नंदा देवी, किश्तवाड़, जिम कार्बेट, सिटी फॉरेस्ट, फूलों की घाटी, बेतला, दुधवा, चंद्र प्रभा, बनारस, बेतला, गहिर माथा, भीतर कड़िका, सिमलीपाल, सुंदरवन, बेतला, बेतला उदयपुर वाल्मीकि, मानस काजीरंगा, डिब्रू सोकाया, दियांग दियांग, नाम दफा, कैबुल्लाम जाओ, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट, हिमालय नेशनल पार्क, नंदा देवी फूलों की घाटी, राजा जी जिम कार्बेट, डचीग्राम किश्तवाड़, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा, सुल्तानपुर पक्षी विहार,
इसका जगह याद रखे गुड़गांव, कहाँ याद रखा गुड़गांव, गुरुग्राम नाम हो गया है। तो ये सब जो नाम चेंज हुए हैं तो ये तो खैर छोट मतलब हल्का सा चेंज है, गुड़गांव से गुरुग्राम, गुड़गांव से गुड़गांव। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर गुड़गांव और नोएडा में ही मिलेगी, हम आपको बताया था बहुत पहले, ये सब चीज़ तो आपको हल्का लगता होगा, नहीं समझे, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। अगर आप गुड़गांव और नोएडा में हैं तो आपको लगेगा इंडिया से बाहर हैं। मुंबई में गड़बड़ी क्या है, दो चीज, एक मुंबई में ट्रैफिक बहुत भयानक लगती है, दूसरा मुंबई सिस्टमेटिक नहीं है, बड़ी बिल्डिंग फिर स्लम एरिया, बड़ी बिल्डिंग स्लम एरिया। मुंबई से अलग हट के बनाया गया नवी मुंबई, बताए थे आप लोगों नवी मुंबई एकदम सिस्टमेटिक, लेकिन मुंबई सिस्टमेटिक आजे का शहर है मुंबई, आप कौन सी सिस्टमेटिक, किसी को उजाड़ के सिस्टमेटिक नहीं ना कीजिएगा जी। आगे बढ़े, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर गुड़गांव, क्या दो है गुरुग्राम, क्योंकि उसका ना स्पेसिफिक शहर पूछ देता, जैसे चंद प्रभा का स्पेसिफिक बना रहे वैसे उसका पूछ देता। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं राजस्थान में, कहां बढ़ते हैं राजस्थान में, सरिसिका राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान, केवला देव राजस्थान, घाना नाहरगढ़ राजस्थान, तो राजस्थान में बड़ी ज्यादा होगा सब, बताइए नाहरगढ़, नाहरगढ़, केवला देव, घाना, रणथंबोर, सरिसिका, नाहरगढ़, केवला देव का ही नाम है घाना, केवला देव का ही नाम क्या है घाना। केवला देव में से रूस के साइबेरिया में जब ठंड पड़ता है तो सारस पक्षी, अभी उत्तर प्रदेश में एक सारस पक्षी बड़ी फेमस हुआ था, आरिफ नाम के आदमी के पास था, बाद में वन विभाग वाला लेके चल गया सब, अरे तुरी क्या वन विभाग वाला लेके चला गया सब, ये वन विभाग वाला लोग जो होते हैं, खैर ठीक है वन विभाग का अपना रूल रेगुलेशन है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन विभाग के ऊपर अगर जाँच होना तो कुल जानवर को हटाना पड़ेगा, नहीं समझे, पटना चिड़ियाघर का शेर एकदम बेचारा दुबरा गया है, दुबरा गया है बेचारा वहां पर। खैर उसके दुबला होने का मुख्य कारण क्या चीज है कि देखिए आपको कितना भी रखा जाए हर इंसान को खुले में पसंद है, इसलिए ये राष्ट्रीय उद्यान वगैरह बनाया गया, सब इंसान को क्या चीज पसंद है खुले में रहना, अब किस आप ही लोग को सब सुविधा दे के लॉकडाउन लगा दिया जाए कैसा लगेगा। लॉकडाउन में बाल मेरा इतना बड़ा हो गया था, कटना कहाँ से काटा, हम लोग खुदे हम अपने छोटे भाई का काटे, छोटा भाई मेरा काट दिया, बड़ा बाल होने के बाद दिमागी काम नहीं कर रहा था, अजीब टाइप का, इतना बड़ा बड़ा हो गया था, अजीब टाइप का लग रहा था, जैसे लग रहा सथवा कोई चल रहा है हमारे, अरे एकदम बड़ा बड़ा हो गया, नॉर्मल रहे तब ठीक, दिमागी काम नहीं करे यहां पर। अब लड़की लोग को तो बचपन से ही आदत हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बाल से इन लोग को कोई प्रॉब्लम, आप लोग को तो बचपन से आदत हो जाता है, अब लड़की जब का अचानक अगर दाढ़ी निकल जाए तो दिक्कत हो जाएगा। लड़का को कोई दिक्कत होता है? पता ही नहीं चलता है यहाँ पे, वो है कि नहीं यहाँ पे, तो हम किस चीज के हैबिचुअल है ये डिपेंड करता है यहाँ पर। हम लोग को बड़ा बाल का आदत है नहीं, गर्मी का दिन और उसमें ससुरा लॉकडाउन लग गया था यहाँ पे, हमको कैसा कैंच दो, कैसा कैंच दो, आदमी कैंच दिया जैसे तैसे, हम धीरे धीरे छूट। अच्छा जो शुरुआती लॉकडाउन था ना उसमें लोगों में डर भी बहुत था, बहुत भयभीत थे लोग यहाँ, हम तो ट्रक से आए थे पटना, रास्ते में बहुत मजदूर मिला सब, ट्रक वहाँ के पीछे चढ़वा लिए, चढ़ जाओ ट्रक के पीछे, खाली आए थे ऐसे पैनल वैनल उखाड़ के ले गए थे, यही क्लासरूम में था ऊपर वाले में यहाँ पे लॉकडाउन में, और उस समय हम लोग रास्ता भर पैदल मजदूरों को देख रहे थे, ऐसे हाथ उठा था भाई कुछ दूर खींच लियो, हम चढ़ जाओ भाई पीछे, हर जगह पुलिस भी लगी हुई थी, और उनको चढ़ाने में भी दिक्कत क्या है ना कि अगर ट्रक वहाँ पर चढ़ जाएगा तो फिर हम लोग को जांच में बैठा देता था, तो फिर मजबूरी में हम लोग को नहीं बैठाना पड़ रहा था, एक दो टो को बैठा है, बाद में पूछने लगी कहाँ से आया है, क्वारंटीन करो ये करो वो करो, तो हम कहें हमारा ना पता चढ़ गया पीछे से, तब वहाँ ट्रक में हम उसका खलासी बने हुए थे, ट्रक ड्राइवर का खलासी, अरे ट्रक का सीट जो होता है ना बैठने वाला चौकी बराबर होता है उसमें
ब्रेक लेने के लिए जगह ही नहीं था, सो जाना पड़ता उसमें सो गए थे हम चौकी जैसा, एक जगह ट्रकवा रात के टाइम पे उछला ना हमके उड़ा दिया, क्या है भाई उसमें ट्रक में बैठिएगा ना बहुत झटका मारता है, जन 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 बहुत। आगे बढ़े बताइए, नाहरगढ़ केवला देव का ही नाम क्या है, घाना सरिसिका रणथंबोर केवला देव साइबेरियन सारस राजस्थान, केवला देव में साइबेरियन सारस, रूस में जब ठंडा पड़ता है ना तो सारस सबको ठंडा लगने लगता है तो भाग के कहाँ आता है सब, राजस्थान में, और वहां बहुत बड़ा झील है, समझ में आ गया, कौन सा घाना में, घाना का ही नाम क्या है, केवला देव। अब उस झील के पास सारस घूमते रहता है, वहां पे पानी उसको बहुत पसंद है सारस वगैरह को, अब पूरा घूमते फिरते रहता है सारस, अब फिर वहां से क्या हो जाता है घूमने फिरने चल जाता है फिर रूस में। जब यहाँ ठंडी बढ़ने लगती है तो कहता है कि भाई तब तक रूस वगैरह में चल जाता है सब, यहाँ पे गर्मी रूस में ठंडी पड़ेगी तो भारत में चला आता है सब। तो माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है कौन सा, घाना, उसी का नाम क्या है, केवला देव। लड़कों को कन्फ्यूजन होगा केवला देव और नंदा देवी में, नंदा देवी उत्तराखंड और केवला देव, केवला देव किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आप जी आर्यभट्ट कोई दिक्कत, घाना कहाँ पे, घाना केवला देव सरिसिका नाहरगढ़ राजा जी सलीम अली घाना फूलों की घाटी सिटी फॉरेस्ट नाहरगढ़ जिम कार्बेट किश्तवाड़ सरिसिका राजस्थान, सरिसिका नंदा देवी डचीग्राम नाहरगढ़ सुल्तानपुर पक्षी विहार है गुड़गांव चंद्र प्रभा पक्षी विहार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उदयपुर वाल्मीकि बेतला सिमलीपाल भीतरकनिका गहिरमाथा नोकरेक कंचनजंगा कैबुल लाम जाओ नाहरगढ़ नंदा देवी नाम दफा दिहांग दिहांग डिब्रू से खोया, याद हो गया कि नहीं, बोलेंगे लोग याद हो जाएगा, नहीं बोलेंगे याद नहीं होगा। अब देखिए लड़का लोग ध्यान से समझ जाए, यहाँ पर कच्छ मेरीन, कच्छ मेरीन लड़का लोग ध्यान से, जंगली गधों के लिए कच्छ मेरीन जंगली गधों, समझ में आया, कच्छ मेरीन नाल सरोवर पक्षियों के लिए, नाल सरोवर पक्षी, लड़का लोग बस बताएगा, जंगली गधों के लिए हाँ कच्छ, जंगली गधा बताइए, कच्छ मेरीन कहाँ है तुम बताओ, हैरी पॉटर हाँ हाँ, कच्छ मेरीन कहाँ है, नाल सरोवर गुजरात, नाल सरोवर कच्छ मेरीन, नाल सरोवर कच्छ मेरीन, जंगली गधों के लिए, जंगली गधों के लिए नाल सरोवर पक्षी है, माइग्रेटरी बर्ड के लिए घाना या केवला देव, घाना या केवला देव। आगे बढ़े कोई दिक्कत, नवे गांव मुंबई महाराष्ट्र, नवे गांव महाराष्ट्र, नवे गांव इंद्रावती छत्तीसगढ़, संजय गांधी छत्तीसगढ़, नवे गांव महाराष्ट्र, नवे गांव इंद्रावती संजय गांधी वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर नवे गांव
काना किसली बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, काना किसली बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, काना किसली बांधवगढ़, काना किसली बांधवगढ़, काना किसली बांधवगढ़, काना किसली बांधवगढ़, संजय गांधी, इंद्रावती, संजय गांधी, इंद्रावती, नवे गांव, बस लड़का लोग बताएगा, कच्छ मरीन, हाँ किस चीज के लिए, तेज बोलो, किस चीज के लिए, हाँ ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर, ये भी लड़का बोलेगा, बब्बर शेर के लिए गिर, बब्बर शेर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का बब्बर शेर। आदमी को देखिए, उसे कहिए गधा तो घुसी आ जाएगा, शेर खुश हो जाएगा, दोनों जानवर है। इसका मतलब व्यक्ति की महत्वता नहीं, उसके काम का महत्व, उसके काम का, आप कौन सा काम कर रहे हैं, किस स्थान पर है, काम काम भी महत्वपूर्ण रखता है, स्थान भी महत्वपूर्ण रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो काम से आप महान नहीं है, और नाच देख रहे हैं बैठ के, तो स्थान गड़बड़ हो जाएगा। तो काम भी महत्वपूर्ण रखता है, स्थान भी महत्व, दोनों का हमेशा ध्यान। इसलिए देखिएगा, बड़े बड़े इंसान जो ठीक ठाक पोजिशन पर होते हैं, उन्हें जहाँ तहाँ बुलाइएगा तो नहीं आते हैं। आप सोचिएगा, जहां तहां बुला दे नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि मुंबई से एकदम फेमस किसी बॉलीवुड स्टार या साउथ इंडिया के स्टार को अपने मटकोड़वा में बुलाने के लिए आएगा? मटकोड़वा नहीं होता जी, चार पानी को दुखा गाते हो तो निकल जाते हैं लोग। हाँ, गाना समझे में नहीं आता क्या गाते हैं लोग, मटकोड़वा देखे हैं? हाँ, उसमें दुकान गीत होता है, गीत में नहीं समझ में आता है वो गीत है कौन सा। हाँ, तो स्थान का भी महत्व बहुत बड़ा है। जैसे आपके मोहल्ले में सांप निकल जाएगा, मार दीजिएगा, और शिवलिंग पे निकल जाए तो अरे दर्शन हो गई लो। तो स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण, आपका घर अंदर से कितना अच्छा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है किस मोहल्ले में है। लड़की कह रही से बाहर से कितना अच्छा है, दिमाग लगा रही थी ना, करिए कि हाँ अंदर से कितना, इससे ज्यादा महत्व बाहर से कैसा है। अरे घर आपका कैसा है इससे ज्यादा महत्व है किस मोहल्ले में। आपका घर अगर ऐसे मोहल्ले में जिसके अगल बगल में पढ़े लिखे लोग की संख्या ज्यादा है, तो आपका घर दिखने में खराब भी रहेगा तो आपके बच्चों का भविष्य ठीक रहेगा। बहुत अच्छा घर है, अगल बगल में सब अकलेले बकलेल भरा है, सब कोई मतलब नहीं रहता उसका। बताइए, नाल सरोवर गुजरात, गिर नवे गांव, काना किसली बांधवगांव, बांदीपुर, बांदीपुर, पेरियार, पेरियार, शांत घाटी केरल, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी, इंद्रावती, संजय गांधी, काना किसली बांधवगढ़, बांदीपुर, गिर, नाल सरोवर। बताओ, तुम बताओ छोटकी, नाल सरोवर गुजरात, गिर कच्छ, बांधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, किसली, सरिसिका, 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 चंद प्रभा, शांत घाटी, शांत घाटी, पेरियार, चंद प्रभा, मन्नार की खाड़ी,
इंद्रावती, श्री वेंकटेश्वर, बांदीपुर, इंद्रावती, संजय गांधी, नवेगांव, नाल सरोवर, हिमालयन नेशनल पार्क, जिम कार्बेट, नोक्रेक, टोटल आपको 42 ठो याद हो गया, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल में नहीं है, जैसे है आपके, लेकिन जैसे भीतर कणिका का अलग से नंबरिंग नहीं है। हाँ, काना किसली बांधवगढ़ एक ही में हो जाता है, बहुत सारा एक ही में, तो टोटल आपको लगभग 45 ठो राष्ट्रीय उद्यान याद हो गया, 45 राष्ट्रीय उद्यान, 700 से ज्यादा है, कितना है 700, याद करना है।